हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ड्रीम किचन। आज हम बना रहे हैं सरसों का साग मक्की की रोटी। तो चलिए शुरू करते हैं। इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम एक प्रेशर कुकर में 500 ग्राम सरसों का साग लेंगे, जिसको हमने फाइन चॉप किया है। अब हम इसमें 250 ग्राम पालक का साग ऐड करेंगे। हम इसमें 1 इंच अदरक के टुकड़े को फाइन चॉप करके ऐड करेंगे। अब हम इसमें स्वाद अनुसार नमक और 1/2 कप पानी ऐड करके प्रेशर कुकर को बंद करके इसमें को 2 से 3 सीटी आने तक अच्छे से पकाएंगे। जब हमारा प्रेशर रिलीज़ हो जाएगा तो हम इसको खोल कर मथाने की मदद से इसको घोलते हुए इसका जो भी एक्स्ट्रा पानी है उसको सुखा देंगे। अब हम इसमें 3 से 4 टीस्पून मक्की का आटा ऐड करते रहेंगे और अपने साग को अच्छे से भूनते रहेंगे। हमारा साग जब अच्छे से भून जाएगा तब हम दूसरी कढ़ाई में 2 टेबल स्पून सरसों का तेल लेंगे। उसमें 8 से 10 लहसुन की कलियों को फाइन चॉप करके ऐड करेंगे। जब वो थोड़ी सी पक जाएगी तब हम उसमें 2 फाइन चॉप अनियन ऐड करेंगे। हम इसको अच्छे से भूनेंगे। जब ये अच्छे से भून जाएगा तब हम इसमें 2 टीस्पून घी ऐड करेंगे। उसके बाद से हम इसमें अपना साग ऐड करेंगे। जब हमारा साग इसमें ऐड हो जाएगा तो हम इसको अच्छे से पकाएंगे। उसके बाद से हम इसमें 50 से 100 ग्राम का एक बड़ा सा ब्लॉक बटर का डालेंगे और ये जब तक मेल्ट नहीं होता तब तक साग को भूनते रहेंगे। हमारा साग बन गया है। अब हम मक्की की रोटी को बनाने की तरफ चलते हैं। मक्की की रोटी बनाने के लिए हम सबसे पहले 500 ग्राम मक्की का आटा लेंगे। उसमें 1 कप गेहूं का आटा ऐड करेंगे और उसको पानी की मदद से अच्छे से भून लेंगे। अब हम इसकी रोटियां मक्की के सूखे आटे को डालकर हल्के हाथों से बेलेंगे और इसको तवे पे सेकेंगे। जब हमारी रोटी एक तरफ से सिक जाएगी तो हम इसको एक स्पैचुला की मदद से पलट देंगे और इसमें थोड़ा थोड़ा बटर या घी लगाते रहेंगे। हमारी मक्की की रोटी बनकर तैयार है। हमारा सरसों का साग और मक्की की रोटी बनकर तैयार है। इसको गरम गरम मक्खन के साथ सर्व करेंगे। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। जल्दी एक अच्छी रेसिपी के साथ मिलते हैं। थैंक यू।